सजग नागरिक टर्म्स में आपका स्वागत है। कोंडवा में सेक्सुअल अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम संपन्न। नाबालिग बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज कितने तरीके से होते हैं? ज्यादातर नाबालिग बच्चों के साथ गलत हरकतें कौन और कैसे करते हैं? बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए, इसकी जानकारी कोंडवा के दारे अरकाम एजुकेशन ट्रस्ट में दी गई। यह प्रोग्राम कोंडवा में पहली बार हुआ है और इसकी शुरुआत दारे अरकाम से की गई। ऐसी जानकारी दारे अरकाम के प्रेसिडेंट कुदरतुल्ला बेग सर ने दी। सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम दीनी मदारिस और स्कूलों में जाकर किए जाएंगे, ऐसा कुदरतुल्ला बेग सर ने कहा। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर जैद सैयद ने बात की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर राप्ता फाउंडेशन के सईद अहमद सर ने बात की और इस प्रोग्राम में शामिल हुए टीचर्स और मेहमानों का शुक्रिया दारे अरकाम के प्रेसिडेंट कुदरतुल्ला बेग सर ने माना। इस प्रोग्राम को राफे कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इना फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया। मेरा नाम जैद सैयद है और मैं पिछले 5-7 सालों से ही जो बच्चे होते हैं इनके राइट्स के लिए काम करता हूँ। तो ये जो आज हमारा सेशन था ये मेनली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में था और ये एक बहुत बड़ा इशू है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हो अवेयरनेस की और किस तरह से करें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आज दारे अरकाम की मदद से और हमारे जो स्पॉन्सर्स है राफे कंप्यूटर्स वगैरह इना फाउंडेशन, इनके सपोर्ट से आज हमने ये शुरुआत कोंडवा से किए हैं और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में मदारिस में और स्कूल्स में और इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू। राप्ता फाउंडेशन पुणे तकरीबन 2006 से पूरे हिंदुस्तान भर में शख्सियत साजी के वर्कशॉप ले रहा है। अब तक 20 रियासतों में तकरीबन 400 गरीब शहरों में और बाहर कंट्री में हम जाते रहते हैं। शख्सियत साजी का एक बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन उसमें सबसे एक अहम जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बच्चों से बचपना नहीं छीनना चाहिए। ये बच्चे ही शख्सियत साज बनते हैं, शख्सियत नवाज बनते हैं और इसी को कहते हैं शख्सियत से, शख्स से शख्सियत बनने का जो सफ़र होता है। और इसके लिए ये जो आजकल तरह तरह के अब्यूज़ बच्चों के साथ होते हैं तो उसका अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके अब्यूज़ के बहुत सारी वजूहत ये भी हैं कि जो ग्लोबल विलेज बन चुका है या व्हाट्सएप सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। तो राप्ता फाउंडेशन की कोशिश है कि स्कूल्स में कॉलेजेस में दीनी मदारिस में खासकर ये अवेयरनेस पैदा करें और जैद ने ये जिम्मेदारी ली है और आज हम दारे अरकम इस अदारे के थ्रू शुरुआत कर चुके हैं इस प्रोग्राम की। और कोंडवा एक अपने आप में बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ काम की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे एक नाजुक मौजू पर जिस पर लोग बात करना भी गवारा नहीं करते दारे अरकम ने कदम बढ़ाया और साथ ही साथ हम उन अदारों का उन खैरखाओं का मशहूर हैं जिन्होंने इस काम के लिए हमारी ताकत बने, हमें ताउन दिया। एक सबसे पहले राफे कंप्यूटर जावेद काजी साहब, उन्होंने हमारे माविन बने, उसके अलावा इना फाउंडेशन ने भी हमें ताउन दिया और हम उन अदारों से बेदार जहन रखने वालों से अपील करते हैं कि इस मिशन में वो हमारा साथ दें, चिराग से चिराग जलाएं। मैं फिर एक बार इन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने राप्ता फाउंडेशन के इस इकदाम को काबिले तहसीन समझा और हमारी ताकत बनने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे पता चला, पहले से मैं बहुत कुछ जानती थी लेकिन इतना नहीं जानती थी कि कैसे हो रहा है। जो जैद सर इन्होंने हमको ये बताया कि हमारा समाज की सोच कितनी गलत है, यानी हम बच्चे को नहीं देखते, उसकी उम्र नहीं देखते, उसका दिखावा देखकर उसे मोहब्बत करते हैं और ये हम खुद भी करते थे लेकिन अब हमको पता चला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत से कानून वगैरह से सर ने हमको रोशनास करवाया, आज हमको पता चला कि बहुत गलत है, हमारे समाज में बहुत सारी गलतियां होती है लेकिन फिर भी हम उसको नज़रअंदाज कर लेते, लाइटली करते डर कर। तो हमको डरना नहीं चाहिए, मीन जैद सर ने हमको ये बताया कि डर नहीं होना चाहिए इंसान में, अगर हम कुछ गलत हो रहा है वहाँ हमको आवाज़ उठाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा किसी के साथ ना हो। हमने सुने थे पर उसका बेसिकली जो सर ने उसकी डेफिनेशन उसका मतलब तरह तरह से बताए कि बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और उनके साथ जो भी होता उनसे फ्रेंडली पूछना चाहिए, ना कि
उन पर कोई तोहमत लगाते कि तुमने गलती किए थे इसके लिए ऐसा हुआ। पहले उनसे कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए और बच्चों को मारना नहीं चाहिए। आज सर ने वो सब चीजें बता के बहुत बड़ा एहसान किए हम पे कि जो चीजें हम करते हैं ये सब रेगुलरली चल रहा है कि हम यकीन नहीं करते बच्चों पे, वो करना चाहिए हमें। और इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसे होगा हमारे सामने तो हम उस पर आवाज उठाएंगे और ये करेंगे। थैंक यू सर। पढ़ाई सर की इस प्रोग्राम में ये एक्चुअली हम लोग को पता था मगर इस पर अभी हम लोग को किसी का ध्यान नहीं गया होता। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स या ऑर्फनेज के जो बच्चे हैं तो वो ऐसे माहौल से आए हुए हैं कि उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करना जरूरी है। तो अगर हो सके तो ये प्रोग्राम हमें हमारे पेरेंट्स मीटिंग में भी रखना चाहिए। आई वॉन्ट टू से लाइक इन चाइल्ड अब्यूज आई डिडंट नो अबाउट द वर्बल चाइल्ड अब्यूज। लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई। सो as I am often I was there in a hostel, so our hostel was a very like religious hostel, but when last year I shifted to Mumbai and like I have gone through many things like the verbal abuses. So in that verbal abuses, like the way the family members, even the relatives used to abuse us, that was like very horrific. And now like when sir gave this workshop and like he made us aware like about the verbal abuses and the touches that made us feel bad, like this was one of the nice thing. Even we had workshops in our school, but this was really excellent, amazing. And alhamdulillah I have learned many things regarding through this workshop, and inshallah this will be through our honest work we will spread this amongst all the children, all the people we are connected to. Thank you. जैसे कि आज बताया चाइल्ड वेलफेयर के बारे में कि बच्चे के कैसे राइट्स होते हैं, और खास करके बहुत सारी चीज़ें हिडन थी जो बच्चे अब्यूज़ वगैरह होता है तो बच्चे वो चीज़ बता नहीं पाते। बट अगर कि ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह होंगे बच्चों के साथ में भी सो उनका कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ऐसी चीज़ें होती है तो सामने आएंगी। सो ये चीज़ें हमको भी पता नहीं थी, बट अब ये प्रोग्राम हो गया तो हम ये सारी चीज़ें बच्चों को भी बताएंगे और इसका फ़ायदा होगा सोसाइटी में।